नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। आज बात करेंगे कि कौन सा HD कैमरा जो है गाड़ी के नंबर प्लेट को देख सकता है, कौन सा देख सकता है, कब देख सकता है, किस स्थिति में देख सकता है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप अगर पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, बाद में आप कहिएगा सर आप गलत बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कुछ बातें आप समझ लीजिए, जो कि गाड़ी के नंबर प्लेट की बात हो रही है, तो बाहर में आउटडोर में अगर गाड़ी लगी हुई है, व्हीकल लगी हुई है, तो उसके गाड़ी जो है नंबर प्लेट जो है सही तरीके से कैमरा नहीं ले पाता। अगर नहीं ले पाता तो काफी तरह की आपको परेशानी हो जाती है। ऐसे में मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि HD कैमरा, एनालॉग HD कैमरा रनिंग व्हीकल यानी रनिंग बाइक वगैरह को लेने में समर्थ नहीं है। अगर रनिंग कंडीशन में लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको IP में जाना होगा। अगर कहीं पर गाड़ी खड़ी है या बाइक खड़ी है तो उसे कैमरा ले सकता है, अदरवाइज रनिंग कंडीशन में एनालॉग HD कैमरा नहीं ले सकता, उसके लिए आपको IP कैमरे में जाना पड़ेगा। अब एक और चीज आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि इको के DVR में या इको कैमरे में ये सुविधा नहीं है। आपको उसमें, आपको अगर किस्मत आपकी बहुत अच्छी रही तो आपको दिख रहा होगा, बट इको में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि दिन की कंडीशन, लाइट की कंडीशन, क्लाउडी सिचुएशन की कंडीशन बिल्कुल अलग अलग हो जाती है, तो इको DVR में भी यह संभव नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किसमें संभव है। यहां पर मैं आपको DVR बता देता हूं। DVR आपका HQHI सीरीज 7A में HQHI सीरीज है, जो कि प्लास्टिक बॉडी का आता है, ये 2 मेगापिक्सल का है। इसी में 7B सीरीज का HQHI आता है, और उसे छोड़कर अब लेटेस्ट जो आया है IDS सीरीज का, जो कि एक स्मार्ट DVR है, और आप उसमें भी ये सुविधा ले सकते हैं। गाड़ी का नंबर प्लेट जो उसमें भी आसानी से आप देख सकते हैं, अगर आप सटीक सूटेबल कैमरा आप उसमें यूज करते हैं। और इसके बाद आता है 5 मेगापिक्सल में, तो 5 मेगापिक्सल में HQHI जो कि 12 FPS पर रिकॉर्ड करती है, और इसी में एक आता है आपका IDS मॉडल स्मार्ट सीरीज, और इसके बाद HDHI वाले आते हैं जिसमें कि 20 FPS पे कैमरा रिकॉर्ड करता है 5 मेगापिक्सल का। लेकिन HDHI काफी कॉस्टली होता है, कई जगह पे मिल भी नहीं रहा, हालांकि अब अवेलेबल हो रहा है, तो आप उसे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेना चाहे तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से जाके ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैमरे के, सबसे पहले 2 मेगापिक्सल की बात करते हैं। 2 मेगापिक्सल में आप मॉडल नंबर जरूर लिख लीजिएगा, यह बहुत जरूरी है, DS2CE1A D0T-IT1F। यह IT सीरीज का 6mm कैमरा है। यह कैमरा गाड़ी के नंबर प्लेट को रीड कर सकता है। अब कितने डिस्टेंस में रीड कर सकता है वो देखते हैं। डे में यानी कि दिन में, 6mm का यह कैमरा है, दिन में 10 मीटर के डिस्टेंस तक वो गाड़ी के नंबर प्लेट को रीड कर सकता है। दिन में 10 मीटर तक वो गाड़ी के नंबर प्लेट को रीड कर सकता है। अगर रात की बात करें तो रात में 5 मीटर से ज़्यादा नहीं ले सकता है, वो भी कंडीशन आपकी बेहतर होनी चाहिए। हालांकि ये आपका XIR कैमरा, तो इसमें आसानी से 5 मीटर तक रात में दिखाई पड़ता है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, तो यहीं पर आपका कलर व्यू कैमरा 2 मेगापिक्सल है, DS2CE72DFT-F, ये डोम कैमरा है, DS2CE10-10DFT-F, ये आपका बुलेट कैमरा है। इस दोनों कैमरे में अगर दिन में देखें तो दिन में 10 मीटर तक गाड़ी के नंबर प्लेट को पढ़ सकता है, और रात में भी लगभग 7 से 8 मीटर तक तो आसानी से पढ़ सकता है। लेकिन याद रखिए, कंडीशन ये है कि स्ट्रोब लाइट ऑन रहनी चाहिए। अगर आपका स्ट्रोब लाइट कैमरे में जो स्ट्रोब लाइट है वो ऑफ है तो फिर मुश्किल है, क्योंकि कंडीशन क्या होता है, कलर व्यू के लिए सपोर्टिंग में आपको स्ट्रोब लाइट दिया गया इस कैमरे में, अगर आप स्ट्रोब लाइट नहीं जलाएंगे तो फिर ये संभव नहीं हो पाता, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, पावर कंजप्शन काफी ज्यादा हो जाती है उससे, लेकिन आपका स्ट्रोब लाइट दिया हुआ है इस चीज के लिए कि रात में बेहतर पिक्चर ले सके। अब बात करते हैं 5 मेगापिक्सल में। 5 मेगापिक्सल में आते हैं तो 5 मेगापिक्सल में एक मॉडल नंबर है DS2CE1HOT-IT1F, ये भी IT सीरीज का है, 6mm का कैमरा है, 20 मीटर तक डिस्टेंस लेता है। यह भी अगर आप दिन में लगाते हैं तो दिन में आपका 10 मीटर तक और रात में आपका 7 मीटर तक गाड़ी के नंबर प्लेट को आसानी से यह पढ़ सकता है। इसके बाद कलर व्यू पे आते हैं, तो कलर व्यू आपका एनालॉग HD कैमरा 5 मेगापिक्सल में DS2CE10 यानी कि 10 HFT-F, और अगर डोम में आते हैं तो DS2CE72 HFT-F, ये आपका कलर व्यू कैमरा है, और यह दिन में 10 से 12 मीटर के डिस्टेंस तक आसानी से नंबर प्लेट को रीड कर सकता है, और नाइट में भी 10 मीटर तक आसानी से रीड कर सकता है, लेकिन स्ट्रोब लाइट ऑन होनी चाहिए। अब ये तो रह गया एनालॉग HD की बात है कि हाँ, लेकिन यहां पर एक बहुत जरूरी बात आपको हमेशा ध्यान देनी होगी कि जब भी कैमरा आप लगाते हैं एनालॉग HD कैमरे में, तो आप जिस वायर को यूज करते हैं, वायर पे पिक्चर की क्वालिटी बहुत ज्यादा निर्भर करती है।
तो आप कोशिश कीजिए कि कोएक्सियल वायर को यूज करें। इस डीवीआर और इस एचडी कैमरे को यूज तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोएक्सियल वायर को यूज नहीं कर रहे हैं तो इसकी क्वालिटी जो है वो आपको सही नहीं मिलती। इसके अलावा 3+1 वायर को आप यूज करते हैं तो ब्रांडेड 3+1 वायर को यूज कीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को बताया था सेफी प्लस और माइक्रोटेक के बारे में कंपेरिजन करके बताया था, तो वो अभी किया। बाद में कंपनियां अलग अलग क्वालिटी को कम करके जो है प्रोडक्ट मार्केट में लाती है, तो उस हिसाब से लोग काफी परेशान हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा रिकमेंडेशन ये है कि एनालॉग एचडी में आप RG6 वायर को यूज कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होता है पिक्चर क्वालिटी को लेकर, पिक्चर क्लियरिटी को लेकर। अदरवाइज गाड़ी के नंबर प्लेट के मामले में तो आपको IP सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, एनालॉग एचडी कैमरा में इससे बेहतर सॉल्यूशन नहीं है यहां पर आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। एक बात और कि हिकविजन के सर्वर में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। तो इंडिया के सर्वर जो है आपको डालना है, सर्वर एड्रेस कहां पर डालना है, पूरा वीडियो डिटेल से वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा, आपको काफी काम आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।